इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं अशोक। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का सबसे पहले इसको ऑब्जर्व जो किया वो था ग्लीलियो। ग्लीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने लीनिंग टावर ऑफ पिसा वहां पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक फीदर लिया, यानी एक पर्व लिया और एक कोई और हैवी चीज ली और उसने दोनों को नीचे गिराया और वो हैरान रह गया कि दोनों एक ही टाइम में नीचे है। इसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि उसने जो जड़ा जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया वहां पे वैक्यूम क्रिएट किया था। अगर एयर की रेजिस्टेंस ना हो, हवा की मसामत या कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, तो अगर कोई हल्की चीज है यानी लाइट बॉडी है या कोई हैवी बॉडी है तो दोनों एक ही टाइम पे नीचे आते हैं। यानी अगर एक फीदर और एक पॉइंटर हम गिराएं तो दोनों एक ही टाइम में नीचे आएंगे। किस रूप में? अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन चीज होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। ग्लीलियो ने जब पहले पहले इस चीज के बारे में बताया तो लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और लोगों ने ये सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ग्लीलियो ने इसको एक्सपेरिमेंट के बाद साबित भी किया। रॉबर्ट एक साइंटिस्ट था, उसने इसको आगे चल के मजीद एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव कर दिया था। तो इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है द एक्सेलरेशन ऑफ रिलीफ फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यानी ज्यादा ना गिरते हुए अजसाम का जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। इसका सिंबल क्या है? इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं इसको, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को। अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन किस तरफ को होगी? जब हमने एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। तो यहां पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। यानी अब जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और किस वजह से? वो जमीन की एक ग्रेविटी की एक फोर्स है और उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है कि जब इस पॉइंटर को मैं ऊपर को फेंकता हूं तो उसके बाद ये नीचे आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ग्रेविटी की वैल्यू जो ग्रेविटी है जी है वो इसको नीचे को खींचता है। जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है यानी ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। पहले पहल ग्रेविटी के बारे में क्या कंसेप्ट था कि ग्रेविटी के बारे में लोगों का ये कंसेप्ट था कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ इसलिए खींचती है क्योंकि जमीन धरती में है। तो हर मैं अपने बच्चों को पुकारती हूं मेरी तरफ आओ, तो इसलिए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी लेकिन आगे चल के पता चला कि जमीन एक कशिश की कुवत रखती है। तो मजीद इसको हम नेक्स्ट जाके आगे चल के पढ़ेंगे टॉपिक्स में, ग्रेविटी के बारे में जब आपको बताएंगे तब इस चीज को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जब भी कोई बॉडी मैं फेंकता हूं ऊपर की तरफ तो वो क्या होता है कि वो जमीन की ग्रेविटी जो उसको नीचे की तरफ खींचती है। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो तो हम इसको यहां पे बात नहीं कर रहे कि एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हम यहां पे ये आपको बता रहे हैं कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड ही होगी। अब इट इज नोटेड बाय जी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन भी आपको बता दी है। वैल्यू जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन के सरफेस पे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यानी जमीन के करीब तरीन इसकी वैल्यू वो सेम है, एक जितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता था उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो इसलिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा। और इसकी वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। कैसे ये सेम वैल्यू रहती है इसको आगे चलकर बताता हूं आपको। साइन कन्वेंशन आगे, अब जब भी किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब भी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटी क्या करेगी? ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचेगी। इसीलिए जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी इसको मैं आगे चलकर बताता हूं। या जब बॉडी नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है।
कितनी इंक्रीज कर दी है, इसको भी आगे चल के बताते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन पहले आपको बता दें कि जब पार्टी को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसको क्या करती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। इसी तरह से जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो तब भी ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है। तो जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो हम जी के लिए पॉजिटिव साइन रखेंगे, जी के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, लेकिन जब बॉडी ऊपर को जाएगी तो जी के साथ हम क्या साइन लगाएंगे, जी के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर टाइम हमारे पास जो है टाइम 0 सेकंड है और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 0 मीटर है, वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होगी, उसके बाद टाइम 1 सेकंड हुआ, तो डिस्टेंस अगर आपने अप्रॉक्सिमेटली वो डिस्टेंस मेजर किया है, यानी एक बार यहां पे है और इसका अप्रॉक्सिमेटली डिस्टेंस मैं कहता हूं ये है 4.9 मीटर है और उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो उसका डिस्टेंस 9.6 मीटर हो गया और उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, अब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, 4 टाइम अप्रॉक्सिमेटली डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, 4 और 5 टाइम। उसके बाद उसकी वेलोसिटी 9.6 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से जब डिस्टेंस 3 सेकंड के बाद 44.1 सेकंड हुआ, अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बार यहां पे आ गया, तभी उसकी वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, यहां से डिस्टेंस और ज्यादा, इससे ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से काफी टाइम ग्रेटर है, स्पीड या वेलोसिटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड है, 9.6 मीटर पर सेकंड है, 29.4 मीटर पर सेकंड है, इनकी वेलोसिटी में चेंज आना है। और चेंजिंग वेलोसिटी क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, चेंजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। फ्री फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यहां पे चेंज इन वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, आप देखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल करें तो जब फाइनल 9.8 माइनस 0 करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड आएगा। इसी तरह से जब 19.6 माइनस 9.8 करते हैं कितना आंसर आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरह से जब 29.4 माइनस 9.8 करेंगे आंसर कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। आप देखिएगा 0 to 1 सेकंड, 0 to 1 सेकंड भी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, 1 to 2 सेकंड वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, 2 to 3 सेकंड वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है। और यह बात आपको हैरान करने वाली है कि हर 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 सेकंड वेलोसिटी की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी में एक जितना चेंज आ रहा है और एक जितने चेंज की वजह से ही इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब अक्सर लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है और जिसका आंसर ज्यादातर लोग गलत करते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि क्या जो बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हुई है वो जीरो से क्या यहां पे आके चेंज हुई, जैसे उसका डिस्टेंस 4.9 मीटर हुआ तब चेंज हुआ, या हम कह सकते हैं कि क्या 9.8 से आगे 19.6 हुआ है तो तब उस पॉइंट के करीब जाके क्या उसकी स्पीड बढ़ी है। तो इसका आंसर ये है कि बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो या एक्सेलरेशन जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी अगर चेंज इन वेलोसिटी हम देखें तो एक्सेलरेशन होता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और ये वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज करती है, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, चेंज इन वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, एक जितना चेंज आ रहा है जैसे जैसे बॉडी नीचे को मूव कर रही है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो अब उसके बाद जो ग्लिनो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक स्लो मोशन के तौर पर ये इंक्लाइन उसने लिया और इसको उसने ऊपर करता गया, इंक्लाइन बढ़ाता गया,
तो इसको उसने एज ए फ्री फॉलिंग के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको फ्री फॉल के, ये देखिए जब इंक्लाइंट और क्या हो गया तो ये फ्री फॉल बन गया, तो इसने इसको फ्री फॉल के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके मुताबिक डिस्टेंस जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऑड नंबर के, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ऑड नंबर के, या टोटल डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये कंसेक्यूटिव जो इंटरवल के दरमियान, कंसेक्यूटिव इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं कि कंसेक्यूटिव इंटरवल के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑड नंबर्स के, या टोटल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1+3+5 सो ऑन। तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम होगा, इन डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, ये टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम जो हुआ हमारे पास, तो इससे हमें एक चीज मिली है, वो ये चीज कि जब भी डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ एक्सेलरेट करती है, यानी उसकी मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगी, जब भी डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम होगा तो उसकी मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के साथ बॉडी मूव करती है। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात ये करें कि एवरेज वेलोसिटी उसकी जो बॉडी की है वो v नॉट, यानी v जीरो जब था, v नॉट था तब जीरो थी, जब v टू हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जी टी होगी। अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है a एवरेज, तो ये क्या होगा, इनिशियल प्लस फाइनल, तो जीरो प्लस v टी करूंगा तो जी टी आ गया, जॉइंट बैक टू आ जाएगा। s इज इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा हमने, VAB average multiplied VAB average की वैल्यू जो है वो GT है, divide by 2 multiplied, ये क्या डिस्टेंस आ गया 1/2 GT square आ गया। यानी इस फॉर्मूले के थ्रू आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, आप टाइम लोन कर सकते हो, आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, एस को आप एच में चेंज कर सकते हो। तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल के उसके बाद डिस्टेंस भी उसका निकाल दिया, यानी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है। अब उसके बाद जब ये बात होगी तो अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस की। अब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पे और लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी एल्टीट्यूड मीन ये जमीन की सरफेस से डिस्टेंस कम ज्यादा होने से जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, यानी सैटेलाइट और मून जो है वो हमसे काफी ज्यादा दूर है तो उनकी जो वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और याद रखिएगा बात कि हर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो नीचे जमीन पे आएगा, जैसे सैटेलाइट और मून मूव कर रहे हैं तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, वो जमीन से आके नहीं टकराते, तो इसलिए फ्री फॉलिंग बॉडी का हरगज मतलब ये नहीं होगा कि वो जमीन से आके स्ट्राइक करेगा, बट नियर द सरफेस अपर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो 9.0, इसीलिए हमने लिखा था अप्रॉक्सिमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये तो था कि जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड किस किस पे करती है, एल्टीट्यूड पे और लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ जी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, यानी अगर आपके पास एक फीडर है और एक आपके पास पॉइंटर है तो आप दोनों को अगर वैक्यूम में आप गिराते हो तो दोनों एक ही टाइम में नीचे आते हैं, यानी दोनों एक ही टाइम में नीचे आएंगे, वो किस रूप में आएंगे, जब वैक्यूम होगा, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस होती है तो फिर ये चीज नहीं होने वाली, फिर हैवी बॉडी जो होगी वो जल्दी नीचे आएगी, लाइटर बॉडी बाद में नीचे आएगी। तो इसलिए अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, हवा की मसावत ना हो या कोई और फ्रिक्शन ना हो तो लाइटर बॉडी और हैवी बॉडी एक ही टाइम में नीचे आएंगे, इसलिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती, ये बात भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है, वो ये कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जो पिसा का झुका हुआ मीनार है, उसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि वो झुका हुआ ही बनाया गया था, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। लीनिंग टावर ऑफ पिसा कंस्ट्रक्शन जब उसकी हुई थी तो मटेरियल उसका कोई इतना खास नहीं था, हल्का मटेरियल का इस्तेमाल एक साइड पर हुआ, तो इसलिए वो एक साइड को थोड़ा झुक गया है। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है
ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कंप्लीट हुआ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।